लंबे वक्त से टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भारत के लंबे समय से कोई आईसीसी ट्रॉफी न जीतने के कारण रवि शास्त्री फैंस के निशाने पर अक्सर आते रहे हैं और अब रवि शास्त्री को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यूएई में होने वाले टी20 विश्व कप 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम के सपोर्ट स्टाफ में अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। खबरों की माने तो भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री, फील्डिंग कोच आर श्रीधर, गेंदबाजी कोच भरत अरुण और बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर टीम से अलग हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रवि शास्त्री ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कुछ अधिकारियों को पहले ही बता दिया है कि वो आगामी टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय क्रिकेट टीम से दूर हो सकते हैं। टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री का कार्यकाल टी20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म हो जाएगा। बात भरत अरुण की करें तो उन्होंने भारत की गेंदबाजी को दुनिया में सबसे अधिक खतरनाक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जबकि आर श्रीधर ने भारतीय खिलाड़ियों को सबसे चुस्त फील्डर बनाया है। रवि शास्त्री के कोच रहते भारतीय टीम 2019 वर्ल्ड कप और 2021 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब नहीं जीत पाई थी। रवि शास्त्री के टीम डायरेक्टर रहते हुए 2015 वर्ल्ड कप, 2016 टी20 वर्ल्ड कप और 2017 चैंपियंस ट्रॉफी भी भारत के हाथ से निकल गई थी। इस सब के बाद रवि शास्त्री के इस्तीफे की मांग तेज होती गई। दूसरी ओर रवि शास्त्री के कोच होते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया को उसी की सरजमी पर दो बार लगातार टेस्ट सीरीज में मात दिया। इसके अलावा घर पर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अजेय रही। पिछले 4 सालों में भारत की बेंच स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ गई है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 2-1 से मिली ऐतिहासिक सीरीज में भारतीय बेंच स्ट्रेंथ अपना कमाल दिखा चुकी है। रवि शास्त्री पहली बार साल 2014 में बतौर टीम डायरेक्टर जुड़े थे। उनका ये कॉन्ट्रैक्ट साल 2016 तक का था। इसके बाद शास्त्री को 1 साल के लिए कोच नियुक्त किया गया। वो 2017 में अनिल कुंबले के बाद टीम इंडिया के फुल टाइम कोच बने। उस समय शास्त्री का कार्यकाल 2019 के वनडे वर्ल्ड कप तक का था। 2019 में अच्छे प्रदर्शन के बाद शास्त्री का कॉन्ट्रैक्ट 2020 टी20 वर्ल्ड कप तक के लिए बढ़ा दिया गया था। 2019 में आपको बता दें भारतीय टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी। बतौर कोच रवि शास्त्री के ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो उनके कार्यकाल में अब तक टीम इंडिया ने 40 टेस्ट में से 23 जीते हैं, 76 वनडे में से 51 में जीत पाई है, वहीं 7 टी20 मुकाबलों में से 40 में वो विजय रही। ऑस्ट्रेलिया में हुई ऐतिहासिक जीत के बाद राहुल द्रविड़ पर काफी ज्यादा स्पॉटलाइट आ गई। राहुल द्रविड़ को यंगेस्ट स्थान ग्रूम करने का श्रेय दिया गया और इसके बाद से राहुल द्रविड़ को टीम इंडिया का कोच बनाने की डिमांड होने लगी। आपको बता दें राहुल द्रविड़ का नेशनल क्रिकेट एकेडमी चीफ का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया है और नए आवेदन मांगे गए हैं। द्रविड़ ने अपनी कोचिंग में इंडिया ए और भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम को काफी सफलता दिलाई है। हाल ही में हुई श्रीलंका के खिलाफ लिमिटेड ओवर सीरीज में राहुल द्रविड़ टीम के साथ मुख्य कोच की भूमिका में नजर आए थे। श्रीलंका के खिलाफ भारत ने वनडे सीरीज जीती। News Tech Bureau.